विद्यार्थी मित्रों, प्रश्न त्रण, ससलू शियाळ ने शू कहे छे? तो ससलू शियाळ ने कहे छे, शियाळ भाई दौड़ो। प्रश्नचिह्न आकाश पड़े छे। फरी प्रश्नचिह्न। प्रश्न चार, ससलानी पाछळ कोण कोण दौड़े छे? जेमा जवाब लखो, ससलानी पाछळ शियाळ अने वांदरो दौड़े छे। ससलानी पाछळ शियाळ अने वांदरो दौड़े छे। ससलानी वात सांभळी सिंह शू बोले छे? पछीनो प्रश्न पांच, जवाब लखो, ससलानी वात सांभळी सिंह बोले छे। ससलानी वात सांभळी सिंह बोले छे। अल्पविराम अने इन्वर्टेड कॉमा में शू आकाश पड़े छे? प्रश्नचिह्न क्या पड़े छे? फरी प्रश्नचिह्न। फरीथी एक बार, शू आकाश पड़े छे? प्रश्नचिह्न क्या पड़े छे? फरी प्रश्न, हाँ, ससलू क्या आवे छे? प्रश्न छ, जवाब लखो, ससलू वृक्षनी पासे, कौंसमां झाड़ पासे, कौंस पूरो आवे छे। ससलू वृक्षनी पाछे, कौंसमां झाड़ पासे आवे छे। छेवटे ससलू शू करे छे? तो लखो, छेवटे ससलू पलायन करे छे। छेवटे ससलू पलायन करे छे, कौंसमां भागी जाए छे। पछी प्रश्न आ छ, नीचेना प्रश्नना संस्कृत में उत्तर लखो। कह भीतः भवति, एनु गुजराती शू थाय? तो कोण डरी जाय छे? तो जवाब लखो, शशकः भीतः भवति, एटले ससलू डरी जाय छे। शशकः भीतः, जुओ शशकः नी पाछळ पण बे टपका लागे छे, अने भीतहनी पाछळ पण बे टपका एटले विसर्ग लागे छे। भवति पछी पूर्ण विराम करवानु, क्यारे भूलवानु नहीं वाक्य अंते, बराबर। हवे आगळ, शशकः शृगालः किं वदति, ससलू शियाळने शू कहे छे? तो जवाब लखो, शशकः शृगालं शृगालं माथे मिंडु वदति। अल्पविराम इन्वर्टेड कॉममा शृगाल भ्रातः, विसर्गः एटले बे टपका, धावतु। अल्पविराम आकाशः पाछु विसर्गः पतति। पूर्णविराम अने इन्वर्टेड कॉममा पूरा। पछी प्रश्न त्रण, शशकः वानरं किं वदति, ससलू वांदराने शू कहे छे? तो जवाब लखो, शशकः वानरं माथे मिंडु वदति। अल्पविराम अने इन्वर्टेड कॉमामा वानर भ्रातः, विसर्ग वानर भ्रातः धावतु। अल्पविराम आकाशः पतति। पूर्णविराम अने इन्वर्टेड कॉमा पूरा। पछी प्रश्न चार, सिंह कस्य अनुगच्छति, सिंह कोनी पाछळ जाय छे, साथे जाय छे, सह, बराबर। तो सिंह शशक सह अनुगच्छति, सिंह ससलानी साथे जाय छे। लखो, सिंह शशक सह अनुगच्छति। पछीनो प्रश्न, शशकः कुत्र आगच्छसि, ससलू क्या आवे छे? तो लखो, शशकः वृक्ष समीपम आगच्छति, वृक्ष समीपम आगच्छति, शशकः वृक्ष समीपम आगच्छति। नीचेना वाक्यनी संस्कृतमा भाषांतर करो। आ जे वाक्य गुजरातीमा आपेला छे ते आपणे संस्कृतमा लखवाना छे। ससलू डरे छे,
तो ससकह ससलु दौड़े छे जुओ तो ससकह धावतु पूर्ण विराम ससकह धावतु पांदडु पड़े छे पणम माथे मींडो आवशे पणम पतती पणम पतती पछी जे वांदरो आवे छे तो वानरम माथे मींडो आगच्छती वानरम आगच्छती पूर्ण विराम ससलो बोले छे ससकह वदती शशकह वदती पूर्ण विराम आकाश पड़े छे आकाशह पतती आकाशह पतती पूर्ण विराम शियाळ भाई दौड़ो आकाश पड़े छे श्रृगाल भ्रातः बेटपका एटले विसर्ग शृगाल भ्रातः धावतु अल्पविराम आकाशः पतति आकाशः पतति पूर्णविराम वांदरो पण पाछळ दौड़े छे पण मो संस्कृत अपी थसे तो अपी आवशे बराबर वानर अपी अनुधावती पूर्णविराम वानरः अपी अनुधावती पूर्णविराम पछी प्रश्न आठ नीचे आपेला संस्कृत शब्दना साचा अर्थ तेनी सामे आपेला विकल्पमांथी शोधीने लखो बीतह डरेलो शू आवशे बीतह तो बीत नहीं थाय डरेलो आवशे बराबर एवी रीते ससकह तो शियाळ थाय के ससलु ससलु बराबर कूत्रह तो एनु शू थाय शा माटे के क्या तो क्या आवशे बराबर धावतु तो दौड़ धोजो रे आवशे के दौड़ो आवशे तो दौड़ो आवशे बराबर पलायनम तो भागी जाओ पाछड़ फरवो नहीं आवे भागी जाओ वदती तो शू आवशे बोले छे जाय छे नहीं बराबर भ्रातः तो भाय शयनम सोवे छे बराबर एवी ज रीते आपेला संस्कृत शब्दना साचा अर्थ समानार्थी शब्द शोधी लखो बाजूमां आपेला छे एमांथी आपणे शोधीने लखवाना छे बराबर तो पहेलुं छे पणम तो एमां आवशे पल्लवम पत्रम प्रस्तावम नहीं आवे बराबर बीजुं छे वानरः तो शुं आवशे कपी बराबर शू आवशे कपी पहेलामां पल्लवम अने पत्रम बंने लखजो बीजामां कपी ह तीजू आकाशः तो समागम आवे के नभः तो नभः आवे समानाथी लखवानो छे बराबर पछी छे वृक्षः तो प्रभः आवे के तरु तो तरु लखवानुं छे तरुह बराबर पाछळ विसर्ग लखवानो छे पछी छे सिंह तो शू आवे सयनमह आवे के मृगराजह तो आवशे मृगराजह वदती तो गच्छति आवशे के कथयती गच्छती ना आवे कथयती आवशे बोले छे वदती बोले छे अने कथयती पण बोले छे वनम तो अरण्य अरण्य एटले पण वन थाय आसनम एटले वन ना थाय पछी आठमु समीपम तो सामीप्यम समागम ना आवे बराबर सामीप्यम पछी छे नीचेना गर्धखंडोनु गुजरातीमां भाषांतर करो वाक्य पहेलुं ससकह वदती तो शू आवशे ससलु बोले छे अथवा तो कहे छे अल्पविराम अने इन्वर्टेड कॉमामां वानर भ्रातः तो वांदरा भाई धावतु दौड़ो अल्पविराम इन्वर्टेड कॉमामां
इन्वर्टेड कॉमा में आकाश पड़े छे, आकाश पड़े छे, अल्पविराम आकाश पड़े छे, वांद्रा भाई दौड़ो, अल्पविराम आकाश पड़े छे। अहीं इन्वर्टेड कॉमा पूरा करवाना छे, बराबर, अने पूर्ण विराम आवशे। जो अहीं आपणे पूर्ण विराम छे माटे आपणे अहीं पूर्ण विराम, गुजराती में पूर्ण विराम केवी रीते करीशुं, टपकू, बराबर। पछी छे भीतः ससकः धावती, तो लखो डरेलू ससलू दौड़े छे, डरेलू ससलू दौड़े छे, पूर्ण विराम। शृगालः अनुधावती, तो शियाळ पाछळ दौड़े छे, शियाळ पाछळ दौड़े छे। वानरः अपि अनुधावती, एमां लखो वांदरो पण पाछळ दौड़े छे, वांदरो पण पाछळ दौड़े छे, पूर्ण विराम। सिंह आगच्छति, सिंह आवे छे, सिंह आवे छे। पछीनो फकरो शशकः वृक्ष समीपम आगच्छति, एनु अनुवाद आवशे ससलु वृक्षनी नजीक आवे छे, पूर्ण विराम। ससलु वृक्षनी नजीक आवे छे, पूर्ण विराम। सिंह वदति, तो सिंह कहे छे, अल्पविराम अने इन्वर्टेड कॉमा में कुत्र पतति आकाश, आकाश क्या पड़ू छे, प्रश्नचिह्न अने इन्वर्टेड कॉमा पूरा। ससलु किमपि न वदति, ससलु कई पण बोलतो नथी, पूर्ण विराम। सिंह हसती, सिंह हसे छे। शशकः पलायनम करोति, ससलु पलायन करे छे, एटले के भागी जाय छे, बराबर। बाळको हवे तमारो आ स्वाध्याय पूरो थयो, कयो पाठ बे, आकाशः पतति ए वाळू अहीं पूरो थाय छे। तो दरेक विद्यार्थी मित्रोए स्वाध्याय पोथीमां पूर्ण करवू, अने स्वाध्याय पोथीमां पूर्ण ना करी शकता होय तो नोट बनाई देवी, अने हूँ जे लखाऊँ छूँ स्वाध्याय पोथीनू ते नोट में लखवू। हवे पछी पाठ त्रण, लेखनम, लेखनम एटले लेखन कार्य, बराबर। तो मूळाक्षरोने आपणे लखवाना छे, तो नीचे आपेला मूळाक्षरो ध्यानपूर्वक जुओ, अने दरेक मूळाक्षरनी नीचे खाली जग्या में ते मूळाक्षरना बे वार लखो। तो आपणे बे वार लखवाना छे, बराबर। तो जुओ आवी रीते मूळाक्षर लखाय छे, सिंगल अक्षर में नथी, डबल अक्षर में लखवानुं छे। आपणे दरेक जणे आवी रीते मूळाक्षर लखवाना रहेशे, बराबर। जोई लो बे वार डबल अक्षर में मूळाक्षर लखवाना छे, दरेक मूळाक्षर बे वार लखवाना छे, बराबर बाळको। तो दरेक विद्यार्थी मित्रों बे वार आवी रीते ज मूळाक्षर लखवाना रहेशे। लखाई गया पछी ज बीजू आगळ वधवानुं छे। दरेक विद्यार्थी मित्रों लेसन लखी लेजो कि बे वार मूळाक्षर लखवाना, ऊपर एक वार आपेलो छे एवी ज रीते डबल अक्षर में बे वार मूळाक्षर लखवाना छे। हवे पछी आगळ पेज नंबर 17 प्रश्न 2, नीचेना दरेक प्रश्नना उत्तर में आपेला विकल्पमांथी साचो विकल्प शोधीने तेना क्रम अक्षर प्रश्ननी सामे चौरस में लखो। संस्कृत भाषा कई लिपि में लखाय छे, तो एमां आवशे बी, नागरी के देवनागरी लिपि में लखाय छे। तो अहींया कौंसमां
बी लखी दो। गुजराती भाषा की लिपि कई लिपि में आई है? तो एम लखो ए देवनागरी। गुजराती भाषा देवनागरी लिपि में आई है। पची लखो संस्कृत भाषा के मूलाक्षरों वड़ाकों में शू जोवा छे? तो एम आवशे सी थोड़ी भिन्नता। सी थोड़ी भिन्नता। सगणन विज्ञान निष्णातों मते संस्कृत भाषा सगणन माटे केवी छे? तो एम आवशे पूर्णतः योग्य। शू आवशे? पूर्णतः योग्य। तो आपणे कौंसमां डी लखीशुं। हवे रामह अने देवह शब्दमां मह म अने व पछी आपेला बे बिंदुओने शू कहे छे? तो ए आवशे शू कहेवाय? एने विसर्ग। मे समजाव्यु छे कि पाछळ बे टपका होय एने विसर्ग कहेवाय छे। हवे व व मूळाक्षरो साथे ओछी भिन्नता धरावतो मूळाक्षर कयो छे? तो व जेवो कयो छे? तो अहीं जुओ बी बी लखी दो। बराबर। हवे ध जेवो घ। बराबर। एवी रीते व जेवो थोड़ी भिन्नता धरावतो तो सी ब ए व जेवो होय छे। पछी छे फ। तो फ कोना जेवो होय छे? तो क जेवो। तो सी लखवानुं छे। बराबर। अहीं ध जेवो तो बी, व जेवो तो सी, फ जेवो तो सी। बराबर। हवे पाठना आधारे योग्य शब्द वडे खाली जग्या पूरो। गुजराती लिपि में मूळाक्षरो पर खाली जग्या करवामां आवती नथी। तो हिंदी में मूळाक्षरो पर शिरोरेखा करवामां आवे तो गुजराती में करवामां आवती नथी। तो शू लखीशुं? शिरोरेखा करवामां आवती नथी। संस्कृत में खाली जग्या स्वर अने खाली जग्या व्यंजन होय छे। तो तेर स्वर जेम गुजराती में अ आ ई उ ए छे एवी रीते संस्कृत में तेर स्वरो छे अने तेत्रीस व्यंजनों छे। बराबर। स्वर अने व्यंजनों ने खाली जग्या कहे छे। तो अनुनासिक। शू कहेवाय? अनुनासिक। स्वर अने व्यंजनों बंने ने अनुनासिक कहे छे। सामान्य रीते दरेक व्यंजनों उच्चार अस्वर उमेरीने ज करवामां आवे छे। जेम के क, तो क अ साथे अ जोड़ायेलो ज होय छे। गम्मे ते अक्षर में जे व्यंजन होय छे तेमा स्वर अ उमेरो, आ उमेरे तो का, अ उमेरे तो क। बराबर। क पहला ए अक्षर अधूरो होय छे। बराबर। ए पूरो करवा माटे स्वर उमेरवो पड़े छे। तो अ स्वर उमेरवाथी क एवो आखो अक्षर बोले छे ने तो खोड़ो अक्षर बने छे। तो स्वर वगरना व्यंजन ने खोड़ो कहे छे। जो मैं तमने कहूँ खोड़ो एटले केवो? तो विद्यार्थी मित्रों खोड़ो एटले जे शब्द अधूरो होय तेने खोड़ो कहेवाय छे। तो जुओ मोटा भागे आ हूँ तमने अहीं नोट में समझावुं छूं। तो गुजराती होय, हिंदी होय, संस्कृत होय, इंग्लिश होय, गम्मे ते शब्द होय तो व्यंजन अने स्वर बंने ने मिक्स करवाथी ज बने छे व्यंजन स्वर। तो जुओ पहलो अक्षर आपणे गुजराती लईशुं क। तो क हमेशा खोड़ो होय छे, व्यंजन खोड़ो होय, एमां अ उमेरवाथी क बने छे। एवी ज रीते क खोड़ो वत्ता आ व्यंजन उमेरवाथी का बने छे। बराबर। दरेक शब्द में एवी ज रीते होय छे।
व्यंजन में स्वर उमेराय त्यारे ज आखो अक्षर आपने मळे छे। दरेक भाषा में आज प्रमाणे व्याकरणनी पद्धति होय छे। तो एवी ज रीते संस्कृत में पण क शब्द छे जे खोड़ो छे जेमा अ उमेरवाथी ज क आखो शब्द बने छे। दरेक शब्द में आज रीते बने छे। कोई पण भाषा होय गुजराती संस्कृत हिंदी दरेक में अ शब्द उमेरवाथी ज आखो शब्द बने छे। अ स्वर उमेरवाथी ज आखो शब्द बने छे। तो आ स्वर वगरना व्यंजन ने खोड़ो कहे छे। जे मैं तमने समझायो कि ज्यारे व्यंजन एकलो होय छे त्यारे एक खोड़ो होय जेम के क तो एक खोड़ो ए आ रीते होय बराबर। एमा अ उमेराय त्यारे ज ए आखो शब्द बने छे बराबर अक्षर बने छे। माटे ज्यारे स्वर वगरनो व्यंजन होय त्यारे एक एवो होय छे तो खोड़ो होय छे। सुकह अने गजह एमा क अने ज पछी आवेला बे टपका बराबर आज बे टपका छे ने शू कहेवाय छे तो विसर्ग कहे छे। नीचेना विधानोमांथी साचा विधानो सामे खरू अने खोटा विधान सामे खोटानी निशानी करो। संस्कृत भाषा हिंदी लिपि में लखाय छे खोटो। संस्कृत पोते एक भाषा छे ए हिंदी लिपि में लखाती नथी। गुजराती भाषाना मूळाक्षरो पर शिरोरेखा करवामां आवती नथी। तो आपणे जोयुं शिरोरेखा एटले जुओ बाळकों जेम के शब्द छे ससलू। तो ससलू शब्द गुजराती में आपणे ऊपर लीटी करीए छे ना पण संस्कृत में शशकह शशकह एमां आपणे ऊपर लीटी करीए छीए। तो आ ઉપરની લીટીને શું કહેવાય શિરોરેખા। શું કહેવાય શિરોરેખા। ગુજરાતીમાં તે કરવામાં આવતી નથી માટે આ વિધાન આપણે સાચું કરીશું। અહીંયા પણ શું લખ્યું છે શિરોરેખા કરવામાં આવતી નથી તો વિધાન સાચું છે। આપણી માતૃભાષાના મૂળાક્ષરો દેવનાગરી લિપિની માફક જ લખાય છે ना बधी भाषा अलग अलग छे माटे अहीं खोटू करीशुं। संस्कृत भाषा केटलीक भारतीय भाषानी जननी छे तो साचुं। सौ प्रथम संस्कृत भाषा ज अस्तित्वमां आवी पछी धीमे धीमे बधी भाषाओ अस्तित्वमां आवी बराबर। कॉम्प्यूटर सामान्य साइंसना निष्णांतना मते संस्कृत भाषा कॉम्प्यूटर माटे पूर्ण रीते प्रतिकूल छे तो साचुं। कॉम्प्यूटर में पण तमे संस्कृत भाषा लखी सको छो बराबर बाळको। हवे प्रश्न पांच झोड़का छे तो मैं तमने कह्युं तुं ते प्रमाणे तमारे डायरेक्ट जवाब लखवाना नथी। पहेला अ लखवानो ने पछी डेश करीने सामे जवाब लखो। बाळको संस्कृत भाषा अमा शू छे पहेलू संस्कृत भाषा तो सामे शू आवशे देवनागरी लिपि में लखाय छे। शू लखशो देवनागरी लिपि में लखाय छे। बीजू आवशे खरी घणी खरी भारतीय भाषाओं में जेनो जवाब आवशे बहोळा प्रमाण में संस्कृत शब्दों छे। बहोळा प्रमाण में संस्कृत शब्दों छे। पची से संस्कृत भाषाना केटलाक मूळाक्षरों में संस्कृत भाषाना केटलाक मूळाक्षरोना वळांकों में थोड़ीक भिन्नता देखाय छे। वळांकों में थोड़ीक भिन्नता देखाय छे। हवे पछीनो प्रश्न गुजराती में जवाब लखवानो छे। संस्कृत भाषा कई लिपि में लखाय छे तो तमारे जवाब आखो लखवानो छे। जवाब लखो संस्कृत भाषा
नागरी के देवनागरी लिपि में लखाय छे। संस्कृत भाषा नागरी के देवनागरी लिपि में लखाय छे। पछीनो प्रश्न छे, गुजराती भाषा नी लिपि कई लिपि माथी आवी छे? गुजराती भाषा नी लिपि, जवाब लखो, गुजराती भाषा नी लिपि देवनागरी लिपि माथी आवी छे। गुजराती भाषा नी लिपि देवनागरी लिपि माथी आवी छे। पछीनो प्रश्न त्रण, शिरोरेखा ने बाद करता कई भाषाना केटलाक मूळाक्षरो देवनागरी लिपिनी जेम लखाय छे? शिरोरेखाने बात करता एटले के ऊपर शिरोरेखा ना होय एवी भाषा तो गुजराती भाषा, बराबर। तो शिरोरेखाने बाद करता, जवाब लखो, आखो लखवानो छे, शिरोरेखाने बाद करता गुजराती भाषाना केटलाक मूळाक्षरो देवनागरी लिपिनी जेम लखाय छे? देवनागरी लिपिनी जेम लखाय छे। पछीनो प्रश्न चार, संस्कृत भाषा में केटला स्वर अने केटला व्यंजन छे? तो जवाब लखो, संस्कृत भाषा में 13 स्वर अने 33 व्यंजनों छे। संस्कृत भाषा में 13 स्वर अने 33 व्यंजनों छे। शू शीखवाथी आपणी मातृभाषा अने राष्ट्रभाषा हिंदी ने सुसमृद्ध करी शकाय छे? आ बन्ने भाषाओ गुजराती अने हिंदी ने सुसमृद्ध करवी हो